बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये बातें दीपक चौरसिया पर बहुत ही सटीक बैठ रही हैं। पिछले कई महीनों से दीपक चौरसिया का कोई भी प्रोग्राम न्यूज़ नेशन पर टेलीकास्ट नहीं किया गया है। खबर है कि चैनल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सीडीएस विपिन रावत की मौत की खबर के समय उन्होंने जिस तरह से न्यूज़ पढ़ा था, उससे आम लोग काफी नाराज हो गए थे। मैनेजमेंट पर भी काफी प्रेशर आ गया था, लिहाजा दीपक चौरसिया को निकाल दिया गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दोस्तों, इस घटना के बाद दीपक चौरसिया ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि उन्होंने उस बुलेटिन से ठीक पहले वाले दिन एक शादी का फंक्शन अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने काफी नाच गाना किया था और उन्होंने पैरों में काफी तकलीफ आ गई थी। इसकी वजह से उन्होंने कई दवाएं ले रखी थी और उन दवाओं के ओवरडोज की वजह से उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम आई। अब भला, एंटीबायोटिक्स तो हम सभी लेते हैं, लेकिन इसके लेने से हमारी दिमागी संतुलन नहीं बिगड़ जाती। लिहाजा दीपक चौरसिया का यह बयान खुद उन्हीं पर उल्टा हो गया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि दीपक चौरसिया ने उस दिन क्या कहा था, तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, 8 दिसंबर 2021 का दिन हम में से कोई भी भारतीय याद नहीं रखना चाहेगा, जब इस दिन जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई बड़े अफसरों की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। जैसे ही ये खबर आई, हम सभी गमगीन हो गए। खबर इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इस खबर को बहुत जबरदस्त तरीके से कवरेज भी किया गया। तमाम मीडिया चैनल्स इसमें लगे हुए थे, टीआरपी की दौड़ थी। दोस्तों, शाम तक ये न्यूज ऑफिशियल हो चुकी थी कि जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लिहाजा सभी चैनल्स पे इस न्यूज को प्राथमिकता से दिखाया गया। लेकिन इस न्यूज का कवरेज जिस तरह से न्यूज नेशन चैनल ने किया, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। एक ऐसे एंकर से उन्होंने इस खबर को पढ़वाया जो कि नशे में धुत था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक चौरसिया की। दीपक चौरसिया ने उस दिन न्यूज एंकरिंग के दरमियान क्या कुछ कहा, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो ये देखिए। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया, वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को, उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। सुना आपने दीपक चौरसिया को कैसे कह रहे हैं वो कि हम विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे, हम सब जाएंगे। कितना नशे में धुत दीपक चौरसिया, शर्म नहीं आती आपको? इतनी बड़ी घटना हो गई और आप शराब पीकर न्यूज पढ़ रहे हो, शर्म करो, बेशर्मी की हद होती है। और चैनल वालों, न्यूज नेशन वालों, आपको क्या लगता है, दीपक चौरसिया बहुत बड़े एंकर है और कोई न्यूज नहीं पढ़ सकता था उस दिन? क्यों नहीं आपने किसी को चांस दिया जो इस न्यूज को पढ़ सके? अगर आपके दीपक चौरसिया ही स्टार एंकर हैं, तो उनको उस न्यूज को संजीदा तरीके से पढ़ना चाहिए था। कैसे पढ़ा उन्होंने? शराब के नशे में। शर्म करो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ जर्नलिस्ट लाइक दीपक चौरसिया टू बिहेव लाइक दिस ऑन अ स्क्रीन। एक ऐसी खबर जिसपे पूरा देश रो रहा है और दीपक चौरसिया शराब के नशे में धुत होकर उसको पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आई? मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते
मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशन डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो। जब जनरल बिपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही तीन चार चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ, आखिरी बार मैं उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात थी उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपकी हिम्मत कैसे हुई न्यूज रूम में उस दिन जाकर शराब के नशे में न्यूज पढ़ने की? जबान लड़खड़ा रही थी, यहां तक कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि शहादत विपिन रावत जी की हुई है और आपने वीपी सिंह यह नाम ले लिया। कितनी घटिया बात है ये। और चैनल वालों, आपको क्या ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी जो नशे में धुत है उसे आपने न्यूज पढ़ना अलाउ कैसे किया? पत्रकारिता का कुछ उसूल होता है, फॉलो कीजिए। पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि नोबेल प्रोफेशन है। हाँ, आज के संदर्भ में बहुत ही स्तर गिर चुका है, लेकिन अब यहां तक गिर चुका है कि लोग शराब पीकर न्यूज पढ़ेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जर्नलिस्ट कहना भी तो गलत होगा, आप जैसे नशेड़ियों की जरूरत नहीं है इंडिया को, हट जाइए। दोस्तों, यहां पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे आपने मान लिया कि दीपक चौरसिया उस दिन शराब पिए हुए थे। दोस्तों, न्यूज नेशन का जो पोर्टल है यूट्यूब पर, उसमें दीपक चौरसिया की सारी बुलेटिन्स की क्लिपिंग्स रहती है। उस दिन की कोई क्लिपिंग्स नहीं है, चैनल वालों ने डाला ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा हो सकता था, इसलिए उन्होंने ये वीडियो डाला ही नहीं। लेकिन खास बात यह है कि ये वीडियो ऑनलाइन लीक हुई और उसके बाद दीपक चौरसिया, आप खुद ही देख सकते हो कि आपने जो कांड किया है, आपने जो गुनाह किया है, उसके बारे में लोग क्या कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। दीपक जी, आपने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं था। आपने जिस तरह से इतनी गंभीर और दर्दनाक न्यूज को नशे की हालत में पढ़ दिया, ये किसी गुनाह से कम नहीं।